अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में वेपन, असलहा या हथियार देखना। ख्वाब में असलहा, वेपन या हथियार देखना दुश्मन पर कुव्वत और गलबा पाना है। अगर कोई बीमार है और ख्वाब में असलहा, वेपन या हथियार देखे हैं तो इसका मतलब है कि बीमारी का दिफा करेगा और सेहतमंद हो जाएगा। अगर कोई देखे कि उसके पास असलहा है और वो ऐसी कौम के दरमियान है जिसके पास असलहा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला अपनी कौम कबीले की सरदारी पाएगा, या लोगों का मंजूर नजर होगा, या लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत बैठ जाएगी। अगर किसी ने देखा कि लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और उसके पास कोई हथियार है और वो इस पर हसद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाले शख्स की गीबत की जाएगी। अगर कोई बूढ़ा देखे तो इससे मुराद उसके दोस्तों का दुश्मन हो जाना है। अगर कोई जवान देखे तो इससे मुराद लोगों का आपका दुश्मन बन जाना है। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि उस पर असलहा है और वो उसको इस्तेमाल करने पर कादिर है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपको कमाल अता फरमाएगा अपने कारोबार में, अपने हालात में, अपनी जरूरियात के मुताबिक आप अपनी हाजात को पूरी करने के लिए अपनी मेहनत, अपने फन और अपने कमाल से महारत हासिल करेंगे और एक कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार है और कोई देखे कि उसके ऊपर किसी ने असलहा ताना हुआ है, तो इसका मतलब मौत की ताबीर है। बाज़ औक़ात ये दीन में इस्लाह पर ताबीर भी देता है। अगर कोई बीमार हो और डरा हुआ हो और देखे कि आप पर किसी ने असलहा तान लिया है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएगा। अगर कोई मुसाफिर है और वो देखे कि उसके पास असलहा है, तो इसका मतलब है कि बख़ैर वाफियत घर लौट जाएगा। अगर कोई देखे कि उससे उसका असलहा छीन लिया गया है, तो इसका मतलब है कि कोई आपका कारोबार तबाह करेगा, आपकी जॉब छीन जाएगी, या आप बीमार ज़ईफ होंगे और अच्छे फैसले नहीं कर पाएंगे, या आप इलम होने के बावजूद उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर असलहा छीन जाना, जहालत फैलाना, माल का लुट जाना, फुकरा को तंग करना, बीमार हो जाना, लोगों को गम दुख तकलीफ पहुंचाना, गुनाहों में मदद करना, बुरे कामों में फंस जाना, अच्छे कामों से हट जाना होता है। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर किसी दुश्मन से जिसके पास असलहा है खौफ ज़दा होना, बीमार होकर मेडिसिन का असर ना पाना, या फिर इसी तरीके से बीवी से झगड़ा होना, या शयातीन के साथ मोहब्बत करना, या अच्छे दोस्तों को छोड़कर बुरी जिंदगी का इख्तियार करना होता है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपके ख्वाब को आपके लिए नेक ताबीर बनाए। ताबीर रोया से शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।